हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ सुनीता नागदा और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमो रेसिपीज पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की सब्जी की रेसिपी। आलू की सब्जी तो नॉर्मली सबके घर में बनती ही है और ख़ास बात यह है कि बच्चे भी इसे बना लेते हैं क्योंकि ये इतनी ईजी होती है। लेकिन आज हम इसे एकदम ख़ास ट्रिक के साथ बनाएंगे और इसमें खास एक मसाला ऐड करेंगे जिससे कि आलू की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और आलू की सब्जी के साथ पूड़ी बना लें तो सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो हमने यहाँ पर बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, इनको हमने पहले से बॉईल कर लिया है और ठंडा कर लिया है। इन्हें हम हाथों से इस तरीके से मैश कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से ठंडा किया है। अगर आपके आलू ज़्यादा गर्म है तो उन्हें आप हाथों से मत करिए। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच भरकर ऑयल रखा है, सरसों का ऑयल, और उसमें हम गर्म होते ही सबसे पहले ऐड करेंगे राई के दाने एक चम्मच, एक चम्मच जीरा और लहसुन और हरी मिर्च को हमने साथ में कोट कर तैयार कर लिया है। दो चम्मच के करीब हम यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे और एक चम्मच हम यहाँ पर घिसा हुआ अदरक लेंगे, इसे भी ऑयल में ऐड कर लेंगे। और दो बड़े प्याज हमने यहाँ पर अच्छे से बारीक कट कर लिए हैं। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते। आपके पास हरे वाले पत्ते हैं तो उन्हें ऐड कर लीजिए। और ऐड करेंगे 2 से 3 तेज पत्ते। प्याज यहाँ पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं तो अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे एक बड़ा टमाटर कटा हुआ। बड़े टमाटर है तो 2 ले लीजिए ताकि सब्ज़ी में अच्छे से खटाई आनी चाहिए। खटाई के बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप नींबू सत या फिर सिरका जिसे बोलते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सूखे मसाले ले लेते हैं। 1 और आधा चम्मच लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार है, आपको कम लगे तो और भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर जल्दी से उबले हुए आलू को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके सूखे मसाले ऑयल में जल रहे हैं तो आप फ्लेम को बंद कर लीजिए और उसके बाद मसाले ऐड कीजिए और आलू और सभी को मिक्स कर लेने के बाद फिर से फ्लेम को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 2 से 3 कप पानी ऐड कर लेंगे। पूरी के साथ रसेदार सब्जी ही अच्छी लगती है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। आलू को हमने अच्छे से मैश किया है और कहीं कहीं पर रह गए तो उन्हें हम चम्मच से इस तरीके से प्रेस करके और पूरे मैश कर लेंगे। और अब हम सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए खास मसाला ऐड कर रहे हैं, मैगी मसाला मैजिक। ये मार्केट में आसानी से छोटे पैकेट मिल जाते हैं तो 1 पैकेट हम यहाँ पर पूरा यूज़ कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। मैगी मसाला मैजिक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर सब्जी को हाई फ्लेम पर रखकर और उबाल आने देंगे अच्छे से। तो हमारी सब्जी में अच्छे से उबाल आने लग गया है। इसमें हम हरा धनिया ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके और फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरीके की सब्जी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर बनाइए और गर्मा गर्म पूरी के साथ इसे सर्व कीजिए। पूरी के साथ आलू की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस तरीके की सब्जी डोसा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। डोसा भी इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बिना मसाला डोसा के भी आप इस तरीके की सब्जी के साथ मसाला डोसा का आनंद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आलू की सब्जी की रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी तरह हमारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।